फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। और हम अपना टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे और आशा करता हूँ कि आज आपका टेंस टॉपिक है वो हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो हम द का यूज़ पढ़ रहे थे आर्टिकल का, कि कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ पर द का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो बहुत से नियम पढ़े थे, एक दो नियम और रहे हैं, फिर हमारा टेंस ये जो आर्टिकल का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो एक रूल है कि यदि वर्ड अगर मान लो आ जाए गॉड, ठीक है, या मान लो आ जाए नेचर, या मान लो आ गया लव, ठीक है, या मान लो आ गया वर्च्यू, या मान लो आ गया डेथ, ये वाले वर्ड अगर आ गए और अगर उनका यूनिवर्सल सेंस निकलता है, मतलब अलग से कोई अर्थ नहीं निकलता, जो जनरली अर्थ होता है वही इनका अर्थ निकलता है, तो हम इन शब्दों से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर गलत माना जाता है। तो यदि मैन, गॉड, लव, दैट, वर्च्यू, नेचर, आदि का प्रयोग वाक्य में यूनिवर्सल सेंस में हो, तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखाता हूँ। ठीक है, एक वाक्य तो हमने पढ़ा ही था, मैन इज मॉर्टल, डेथ इज अल्टीमेट। ठीक है, नेचर इज अवर प्रिजर्वर, PRESERVER से भी होता है। ठीक है, फिर गॉड इज ग्रेट, या फिर हमने लिखा लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, आपको पता ही है माँ का प्यार अंधा होता है, वैसे प्यार सबका अंधा ही होता है। तो अब देखो, यहाँ पर मैन का मतलब होता है आदमी, तो मैन इज मॉर्टल मतलब आदमी नश्वर है, तो यहाँ पर आदमी का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आदमी ही मरते, औरत नहीं मरती, यहाँ आदमी का मतलब है सभी इंसान। ठीक है, तो मैन इज मॉर्टल, ठीक है, यानी कि आदमी नश्वर है। डेथ इज अल्टीमेट, यानी कि मौत अनिवार्य है, उसको टाला नहीं जा सकता। नेचर इज अवर प्रिजर्वर, प्रिजर्वर का मतलब होता है रक्षा करने वाला, तो नेचर हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। गॉड इज ग्रेट, यानी भगवान महान है, वो तो है ही। लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है। तो ये जो सब है, मैन, डेथ, नेचर, गॉड, ठीक है, ये वर्च्यू है, तो वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड, ऐसा कुछ मैंने वाक्य लिखाया था, तो ये है। ठीक है, तो ये सब इनके पहले अगर आपने द लगा लिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जनरल सेंस में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे यदि इनका जनरल सेंस में उपयोग किया जा रहा है तो। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एक और,
दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो मैं बोलूं 1, 2, 3, 4, 5 and so on, ठीक है, एक मैं बोलूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। तो ये वाले जो नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 है, इन नंबरों को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, और ये वाले जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। क्योंकि ये तो 1, 2, 3, 4, 5 इधर सिर्फ संख्याएं बताता है, लेकिन ये होता है ये क्रम बताता है, ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि क्रम बताता है, इसलिए इसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। यानी कि ये पहला क्रम है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। तो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके पहले द लगता है, इनके पहले द लगता है, इनके पहले द नहीं लगता, ठीक है। तो आप साइड में ये लिख लेना कि कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं और ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का एक रूल होता है, ठीक है, ये आप लिख लेना साइड में, कि यहाँ पे मैं भी लिख लेता हूँ वापस, कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए कार्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑर्डिनल नंबर से पहले द लगेगा, कार्डिनल नंबर से पहले द नहीं लगेगा। तो रूल क्या हुआ, ऑर्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जबकि कार्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। या फिर मैंने लिखा वॉल्यूम फर्स्ट या वॉल्यूम वन, वॉल्यूम वन इज ऑन ग्रामर एंड वॉल्यूम टू इज ऑन वोकैब, ठीक है। या फिर अगर ऐसे बोलते द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन ग्रामर, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। अब देखो, द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। यानी कि इसका जो दूसरे नंबर का जो चैप्टर है, क्रम अगर देखे पहला, दूसरा, तीसरा, तो दूसरे नंबर का चैप्टर है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये है ऑर्डिनल नंबर, तो इससे पहले हमने द लगाया। यहाँ पर हम कहते, देखो मान लो किसी किताब के दो पार्ट है, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड, तो हम ऐसे कहते हैं वॉल्यूम एक
वॉल्यूम्स टू। पहले जो डीवीडी आती थी, सीडीज आती थी, ठीक है, जिसको हम डीवीडी प्लेयर में डाल के देखते थे, तो मूवीज दो पार्ट में होती थी, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट खत्म होने के बाद उस कैसेट को निकाल करके, सीडी को निकाल के वॉल्यूम टू डालते थे। तो इसी प्रकार जो वॉल्यूम फर्स्ट है, तो वॉल्यूम अगर वन लिखा हुआ है तब तो हम इसके पहले द नहीं लिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, कार्डिनल नंबर है, टू है, ये क्या कार्डिनल नंबर है, तो इससे पहले द नहीं लगाया हमने। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि द फर्स्ट वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लिखा, एफ आई आर एस टी, तो फर्स्ट है हमारा ऑर्डिनल नंबर, तो इससे पहले हमने द लिखा। द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन ग्रामर, यानी कि इस किताब का पहला भाग है वो ग्रामर का है और दूसरा भाग है वो वोकैब का है। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, यानी कि ये पहला व्यक्ति था जो आया था, ठीक है, यानी कि ये आने वाला प्रथम व्यक्ति था, उसके बाद क्रम से दूसरे तीसरे व्यक्ति आते गए, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो आर्टिकल का ख़त्म हो गया। इसके अंदर जो भी रूल्स होते थे वो सारे मैंने पढ़ा लिए, इसके बाहर कोई रूल नहीं होता और ना ही आपको कभी कोई किसी किताब में इसके बाहर कोई रूल मिलेगा, क्योंकि मैंने जो ये आपको रूल लिखा है, ये 5-6 किताबों को पढ़ा और प्रत्येक किताब के अंदर से प्रत्येक रूल को मैंने देखा और किसी के अंदर कोई भी रूल नहीं छोड़ा, ठीक है, और फिर जाके मैंने ये पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो कम से कम इसमें 3 इंग्लिश के इंडियन राइटर की और कम से कम 2 फॉरेन राइटर की बुक को मैंने पढ़ा और उसके बाद ये एक टॉपिक तैयार हुआ है, और कुछ कुछ एग्जांपल मैंने फॉरेन राइटर की बुक के अंदर से भी लिखे हैं। तो अब इससे बाहर आपको कहीं नहीं पढ़ना, और ये होता है कंप्लीट सिलेबस, और मैंने प्रत्येक टॉपिक को ऐसे ही पढ़ाया है, ठीक है। तो अब मैं साइड में हो जाता हूँ, इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और थोड़ी सी एक्सरसाइज हम कर लेंगे, ठीक है, इस टॉपिक पर बेस्ड। ओके बाय। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है, हमने जो आर्टिकल्स टॉपिक पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं लिख पाया मैं, ठीक है, क्योंकि आपको आपके पास जो भी बुक्स होगी पढ़ने की उसमें मेरा एग्जाम्पल्स को आपको बहुत वहाँ पर भी बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ए एम और द, ये आपको जो फिलिन है, उस जो ब्लैंक है उसको फिल करना है, ठीक है। तो चलो पहले आप ये जो 34 है क्वेश्चंस, इसको आप मैसेज में हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, फिर जब मैं कर रहा हूँ तो फिर उसको क्रॉस चेक करना और देखना कि आपके कितने सही होते हैं, और कमेंट सेक्शन में फिर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है, क्योंकि एक बार आप भी तो कोशिश करो, क्योंकि मुझे जो पढ़ाना था वो सारे नियम मैंने तो पढ़ा लिया, अब आप भी तो देखो कि आपको एक बार पढ़ने के बाद कितना याद रहता है, कितना समझ में आया मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है, मुझे भी पता चले कितना आपको समझ में आ रहा है। तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार आप पॉज करके खुद करना, ठीक है, और फिर मेरे से मैच कर देखो। कॉपर इज खाली जगह यूजफुल मेटल, तो कॉपर यानी कि तांबा, ठीक है, तो जो तांबा है वो एक यूजफुल यानी उपयोगी धातु है, तो क्या होगा, इज अ, ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, तो यहां पर जो है वर्ड ऑनरेबल, तो इसके हिसाब से इसका वॉवल साउंड आ रहा है, तो होगा एन। ऑनेस्ट मैन स्पीक खाली जगह ट्रूथ, तो हमेशा मैंने आपको बताया कि एस क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है, यानी सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ होता है, कभी भी स्पीक अ ट्रूथ नहीं होता। डू यू सी खाली जगह ब्लू स्काई, तो स्काई है तो इसके लिए क्या आएगा, द, मैंने बताया था खगोलीय पेंटर मतलब जो एक ही होता है, अर्थ हो, स्काई हो, मून हो, तो इसके आगे द लगता है, सन, ठीक है। वाराणसी इज अ होली सिटी आएगा, क्यों, क्योंकि वाराणसी क्या है, एक पवित्र शहर है, पवित्र सिटी है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे पवित्र मंदिर है वगैरह है। अलादीन हेड खाली जगह वंडरफुल लैंप, यानी अलादीन के पास एक बहुत ही वंडरफुल चिराग था, तो एक ही था, तो होगा अ। द वर्ल्ड इज खाली जगह पर्फेक्ट प्लेस, दुनिया, कई लोगों को लगता है कि दुनिया क्या है, दुखों से भरी हुई है, लेकिन वो अपना अपना नजरिया है, सर नर्क वगैरह कर से यही पता है, तो वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ही रिटर्न्ड आफ्टर खाली जगह आवर,
यहाँ पर आवर नहीं आएगी, एन आवर आएगा, क्यों? क्योंकि इसका समवल कैसा निकलता, आवर वॉवल शब्द निकलता इसका, ठीक है, वो एक घंटे पर आया। खाली जगह सन शाइन्स ब्राइटली, तो सन के आगे क्या लिखता है, द सन शाइन्स ब्राइटली, यानी सन है वो बहुत ही तेज ब्राइटली मतलब शाइन करता है, चमकता है, बहुत ही तेज चमकता है। आई फर्स्ट मेट हिम, मैं उसे पहली बार कब मिला, एक साल पहले, तो अयर अगो, एन ईयर अगो नहीं आएगा। यस्टरडे खाली जगह यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, यानी कल यूरोपियन मेरे ऑफिस आया था, एक यूरोपियन आया, ठीक है, तो इसको ई से शुरू होता है, लेकिन इसका वॉवल कैसे निकलता है, साउंड कैसे निकलता है, यूरोपियन कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है इसका, तो होगा अ यूरोपियन। संस्कृत इज खाली जगह डिफिकल्ट लैंग्वेज, संस्कृत क्या है, डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो अ आएगा। खाली जगह गंगा इज खाली जगह सैक्रिज रिवर, तो क्या होगा, द गंगा, मैंने बताया था कि नदियों के नाम से पहले द लगता है, तो गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा इज अ सेक्रेट रिवर। फ्रेंच इज खाली जगह इजी लैंग्वेज, तो इसका इजी, इसका वॉवल साउंड क्या है, तो होगा एन इजी लैंग्वेज, ठीक है। हु इज खाली जगह गर्ल सिटिंग देयर, यानी कि वो लड़की कौन है जो यहाँ पर बैठी है, तो स्पेसिफिक उसी लड़की के बारे में कहा जा रहा है, तो पूछने वाले को भी पता है वो लड़की, उसी लड़की के बारे में बात की जा रही है, और जिससे पूछ रहा है उससे भी पता है कि उसी लड़की के बारे में बात की जा रही है, मतलब दोनों के लिए वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, तो इसके आगे लगेगा द, ठीक है। विच इज खाली जगह लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया, पता नहीं मैंने आपको नियम पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, लेकिन अगर कोई सुपर लेटिव डिग्री है, ठीक है, ये एडजेक्टिव में सही से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ही ध्यान रखो कि सुपर लेटिव डिग्री है, उसके पहले हमेशा द लगता है, ठीक है। तो विच इज लॉन्गेस्ट, देखो डिग्री ऐसी होती है जिसकी लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है, तो ये होती है पॉजिटिव डिग्री, ये होती है कंपेरेटिव डिग्री, और ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले ये तो सिर्फ लॉन्ग के लिए, ऐसी बहुत सारी डिग्री आप लीजिए, ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो होगा द, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, रिवर इन इंडिया। रमा हैज कम विदाउट अम्ब्रेला, तो बिना एक छाते के, बिना छाते के रमा आ गई, तो ये अम्ब्रेला है, ये तो हमने पढ़ा था, और का साउंड निकलता है, तो एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब अरे हाँ देखो ये ना ट्यून, मैं हर बार बताना चाहता हूँ लेकिन बार भूल जाता हूँ, मैंने जब आपको फ्रेजेस बताए थे कि इन फ्रेजेस के अंदर ए लगता है और इन फ्रेजेस के अंदर ए नहीं लगता, ए या एन या द वगैरह वो नहीं लगते, ठीक है, तो मैंने अंदर जिसके अंदर लगता है उसके अंदर बहुत से फ्रेजेस लिखवाए थे, उसमें से एक ये फ्रेज भी था इन अ ट्यून, ठीक है, और उसका अर्थ मैंने लिखाया था वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में, जल्दी जल्दी में, ठीक है, जल्दी में या जल्दबाजी में लिखाया था, क्योंकि इसका वो अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ होता है मुश्किल में, ठीक है, मुश्किल में यानी कि इन अ फिक्स या परेशानी में, आपने लिखा हुआ होगा, मैंने पढ़ाया था जल्दी में या जल्दबाजी में, ठीक है, तो वो काट लेना और उसको लिखना मुश्किल में, वो मैंने गलती से कर, जल्दबाजी में मैंने लिख लिया था, शायद सही से ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो इसका अर्थ बाकी सब सही है, ठीक है, ऐसा मैं सोचना कि बताने वाला कहाँ गलती की होगी, नहीं सिर्फ यही गड़बड़ थी, ठीक है, तो आप वो करेक्शन कर लेना, एल्बो फ्रेजेस जिसके अंदर ए लगता है उसके अंदर मैंने ये लिखवाया था। तो मुंबई इज खाली जगह वेरी डियर प्लेस टू लिव इन, यानी रहने के लिए, रहने के लिए मुंबई बहुत ही अच्छी जगह है, तो अ वेरी डियर प्लेस टू लिव इन। सीता इज खाली जगह अनटैडी गर्ल, अनटैडी का मतलब होता है स्वच्छ, टैडी का मतलब होता है गंदा, टैडी का मतलब होता है गंदा या मैला, आपने टाइड से सुना ही होगा टाइड, ठीक है, एकदम चमकती सफेदी, वो वाला चौक गए ना, हाँ वही, तो ये टाइड से, टैडी से टाइड बना है, ठीक है, वो वाला ब्रांड इसी नाम से लिया गया, तो गंदा होता है उसको हटाने के लिए टाइड होता है,
तो ये अनटाइडी यानी कि जो ऐसी लड़की जो गंदी नहीं है, मतलब स्वच्छ है, मतलब एकदम साफ सुथरी रहती है वो, तो सी इज एन अनटाइडी, क्योंकि ये अ से शुरू होता है, वॉवल साउंड करता है इसका, ठीक है, वॉवल से शुरू होता है। द चिल्ड्रन फाउंड एन एग होगा, एन एग यानी कि एक, बच्चों को एक घोंसले में एक अंडा देना, ठीक है, तो एन एग होगा। आई बॉट, खाली जगह हॉर्स, खाली जगह ऑक्स, खाली जगह बफेलो, तो मैंने एक घोड़ा खरीदा तो अ हॉर्स, एक बैल खरीदा तो एन ऑक्स, और एक भैंस खरीदा तो अ बफेलो होगा, ठीक है। इफ यू सी हिम, यदि तुम उसको मिलते हो या मिलोगे तो तुम उसको एक मैसेज दे देना, ठीक है, तो होगा अ मैसेज। अब इंग्लिश इज खाली जगह लैंग्वेज ऑफ, खाली जगह पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था कि यदि नाउन आ जाए, ऑफ आ जाए, वापिस नाउन आ जाए, तो पहले वाले नाउन के पहले क्या लगेगा, द। अब याद देखो, इंग्लैंड है वो नाउन है, पीपल है वो नाउन है, तो दो नाउन जब ऑफ से जुड़े हो तो पहले वाले नाउन के पहले क्या लगेगा, द, ठीक है। तो अब देखो, ये नाउन है, ये ऑफ है, लैंग्वेज वापिस नाउन है, तो यहां पर भी ये कहीं स्ट्रक्चर आ गया नाउन ऑफ नाउन का, तो इसके पहले भी द लगेगा, तो दोनों जगह द लगेगा। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अब द गाइड नोज, यानी कि जो गाइड हमने साथ में लिया है वो क्या है, वो रास्ते को जानता है, तो जो चीज पहले से जानती है, अंडरस्टैंड होती है, उसको क्या लिखते हैं, द, कि रास्ता क्या है वो जानता है। और रेलवे नहीं लिख सकते कि वो एक रास्ता जानता है, नहीं, वो वही का वही रास्ता जो भी जितने भी है वो सारे जानता है, ठीक है। श्रीलंका इज अ आइसलैंड, क्योंकि श्रीलंका एक क्या है, द्वीप है। लेट्स डिस्कस, खाली जगह मैटर, सीरियसली, चलो मैटर को सीरियसली डिस्कस करते हैं, मतलब पहले तो ऐसे ही हम सब मिलकर मैटर को ऐसे हंसी मजाक में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब मैटर को सीरियसली डिस्कस करते हैं, तो मैंने कहा चलो मैटर को डिस्कस करते हैं सीरियसली, तो मुझे भी पता है कि कौन से मैटर को डिस्कस करने के लिए कहा, आप सबको भी पता है जिसको कहा है कि मैटर डिस्कस करते हैं, उनको भी पता है कि कौन सा मैटर है, तो सबके लिए वो मैटर अंडरस्टूड है, इसके याद पर आएगा द मैटर, ठीक है। जॉन गॉट, खाली जगह बेस्ट प्रेजेंट, तो ये बेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले क्या रहेगा, द। अगर ये बेस्ट सब नहीं आता तो सिर्फ ऐसा ही आता है, जॉन गॉट अ प्रेजेंट, जॉन को एक गिफ्ट मिला, नहीं तो द बेस्ट, बेस्ट लिखा है इसलिए द आ गया, नहीं तो सिर्फ आ रहा। इंडिया इज वन ऑफ, और ये मोस्ट है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले भी द आएगा, ठीक है। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन ओल, ठीक है, यानी कि वो क्या कैसा दिखाई देता है, एक उल्लू की तरह स्टूपिड दिखाई देता है। तो ये जो स्थाया था, ये हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज करने की कोशिश की, ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था आर्टिकल का, ए एंड द का, वो मैंने कंप्लीट पढ़ा लिया, कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो इससे बाहर है, सारे के सारे नियम इसके अंदर इंक्लूड हो गए। हो सकता है लगभग 9 या 10 वीडियो बने हो, मुझे नहीं पता कितने वीडियो बने, ठीक है। तो ये सारे वीडियो आपने अब तक, यहाँ तक आप पढ़ते पढ़ते आए हो, मतलब आप धैर्य से पढ़ने वाले मतलब स्टूडेंट हो, और अगर इसी धैर्य से मेरे YouTube के जितने भी वीडियो है वो सारे देखोगे, तो क्योंकि मैंने प्रत्येक टॉपिक को इतना डिस्कस, इतना मतलब बेसिक से लगा करके, और आपने पता पढ़ा देखा ही होगा कि मैंने आर्टिकल शुरू किया तो पहले बेसिक बेसिक पढ़ाया, और फिर मैंने उसका लेवल धीरे धीरे कर करके मैं सब आपको रूल्स पर लेकर आया गया, एग्जाम्पल्स पर लेकर आया गया, तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है, जो आपने मेरे थंबनेल पर भी देखा ही होगा। मैं प्रत्येक टॉपिक ऐसे ही करता हूँ, बेसिक से शुरू करता हूँ, फिर उसको हाई लेवल पर एडवांस लेवल के वहां तक लेके जाता हूँ, जहां पर बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं जिसके अंदर इंग्लिश हाई लेवल की आती है, यानी कि बैंकिंग हो, SSC हो, ठीक है, CPO हो, MBA हो, रीड टेबल हो, फर्स्ट ग्रेड हो, इंग्लिश अगर भारत में कोई भी एग्जाम हो रहा तो इंग्लिश इससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, भले स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। तो आप मेरे दूसरी भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ना उन्हें भी, ठीक है। आपको, आपने भले ही कहीं से भी
कुछ किसी भी सर से आपने पढ़ा हो, कहीं से भी कोचिंग की हो, लेकिन फिर भी आप जब मेरे वीडियो देखोगे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो उन्हें भी देख लेना, और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट में बताना कैसा लगा आपको मेरा पूरा टॉपिक पढ़ाने का तरीका। ठीक है, क्या अच्छी बात लगी, क्या गलत बात लगी, क्या बुरी बात लगी, वो भी आप मेरे साथ शेयर करना ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है, और मैं आपके कमेंट का पूरा पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है थोड़ा एक दो दिन लेट हो जाए, बाकी मैं प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मेरे दोस्त के कमेंट का जवाब मैं देता ही देता हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में जरूर जरूर बताना ताकि उन्हें भी मदद मिले, वो भी ऐसा बेसिक से एडवांस लेवल तक सारा कुछ एक ही जगह पर कंप्लीट स्टडी कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शायद मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मॉडल। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है कि सर आप मॉडल टॉपिक पढ़ाइए, तो मैं मॉडल टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से और बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक इतना डीपली पढ़ेंगे हम मॉडल टॉपिक कि आपको जिंदगी में फिर कभी मॉडल के बारे में कंफ्यूज नहीं होगा। बच्चे से मॉडल है तो सिंपल, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों में। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रत्येक डाउट को एकदम अच्छे से बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके, बाय, टेक केयर।